नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूँ रेखा खड़ाकोटी और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जूते चप्पल के भाग्य पर असर की। जी हाँ, क्या कभी आपने सोचा है कि जो जूते चप्पल आप पहनते हैं उससे आपके भाग्य पर भी असर पड़ता है? नहीं ना, लेकिन ऐसा होता है। यानी कि किस रंग के जूते चप्पल आप पहनते हैं और किस तरह के जूते चप्पल आप पहनते हैं वो सीधे कनेक्टेड होते हैं आपके भाग्य से। कैसे, बताएंगे आपको पंडित जी कुछ ही देर में, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुडलक मंत्र के साथ। देखिए, जिस दिन भी आपकी परीक्षा हो, किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, शनिवार हो, जिस दिन भी आपकी परीक्षा हो, उस दिन सुबह 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप आप जरूर करिएगा। परीक्षा वाले दिन सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। इससे आप जिस दिन की परीक्षा देने जा रहे हैं, जिस दिन आपने सुबह मंत्र का जप किया है, उस दिन की परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए, तो हो गया गुडलक मंत्र। अब आगे बढ़ते हैं और 8 सितंबर का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 8 सितंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 9:02 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर के 1:46 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुडलक मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। तो अगर आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं कि आपका दिन अच्छे से बीते, तो इस पंचांग को जरूर आप फॉलो करें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं आज के विषय पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं जूते चप्पल की। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि जूते चप्पल किस तरीके से आपके भाग्य से कनेक्टेड होते हैं, ये हम आज पंडित जी से समझेंगे। तो सवाल सबसे पहला पंडित जी मेरा यही है कि जूते चप्पल की आज हम बात कर रहे हैं, तो ज्योतिष में इसका क्या स्थान रहता है? जूते चप्पलों को हम सामान्यतः बहुत महत्व नहीं देते हैं, कहीं भी पहन लिया, कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी उतार दिया। लेकिन देखिए, ज्योतिष इसके बारे में भी कुछ कहता है, कुछ बताता है। आप जूते चप्पल पहनते हैं अपने पैरों में, और पैरों का संबंध होता है मीन राशि से। सबसे अंतिम राशि है मीन राशि, और इसका संबंध आपके पैरों से होता है। इसके अलावा शनि और राहु का भी आपके पैरों से, आपके पंजों से संबंध होता है। जैसे ही आप जूते चप्पलों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही शनि और राहु एक्टिव हो जाते हैं, शनि और राहु सक्रिय हो जाते हैं। गलत तरीके से जूते चप्पलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो आपको स्वास्थ्य की समस्या, यश की समस्या और धन की समस्या तीनों परेशान करेगी। आप देखिए, प्राचीन समय में ऋषि मुनि लकड़ी की खड़ाऊं पहनते थे। बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं कि मैं नंगे पैर यात्रा करूंगा, नंगे पैर भगवान के मंदिर की परिक्रमा करूंगा। पैरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये प्राचीन समय से ही है कि आप किस तरह के जूते पहनते हैं, कब पहनते हैं, नंगे पैर ज्यादा रहते हैं या जूते चप्पल पहन करके रहते हैं, इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी जिंदगी में। तो जूते चप्पल कैसे, कब और कहाँ पहनने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है।
तो किस तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है हमारे भाग्य से या फिर कहें ज्योतिष से, यहाँ पर हमने जानने की अभी कोशिश की जो हम जूते चप्पल पहनते हैं फिलहाल किस तरीके के पहनने चाहिए, किस तरीके के रंगों के जूते चप्पल पहनने से आपको बचना चाहिए, यह हम आपको आगे बताएंगे। आते हैं राशियों पर और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, इस समय अगर आप थोड़ा प्रयत्न करें, थोड़ी कोशिश करें तो आपको संपत्ति का फायदा हो सकता है। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, धन लाभ की भी अच्छी स्थितियां आपके लिए दिख रही हैं और इस समय आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, ये सूचना भी दिखाई दे रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। अगर आप भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन्हें पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, चोट चपेट आपको लग सकती है, परिवार में बेवजह की अशांति ना हो उससे आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया है, आगे बढ़े उससे पहले वक्त हो चुका है आप लोगों के सवाल का, तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि पहला सवाल हम किसका लेने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल हमें कौशल कुमार जी ने लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 16 मई 1979, जन्म का समय है 9:30 रात को, जन्म स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। कौशल जी पूछ रहे हैं कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, आने वाले समय में मेरे स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और मेरे विवाह होने के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। कौशल जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा आपकी शनि की चल रही है 26 फरवरी 2023 तक। देखिए, इस कुंडली में विवाह होने की संभावनाएं बहुत विलंब से हैं, बड़ी कमजोर हैं, बावजूद इसके आपकी शादी होने की संभावना जरूर बनती है। और ज्योतिष के हिसाब से हम कहेंगे कि फरवरी 2023 के बाद, यानी मार्च 2023 से नवंबर 2023 के बीच में आपका विवाह होना चाहिए, यह संभावना आपके लिए दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, खास तौर से नशे की आदत से परहेज करना है और अगर पेट में दिक्कत हो तो उस मामले में लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो समय चल रहा है ये समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या उपाय करें शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः आप माणिक्य धारण करिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, इससे आपका यश बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और तीसरा काम करिए, सुबह शाम दोनों समय 108 बार
अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य की समस्या से या मानसिक समस्या से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो अगर आप भी कुछ पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि जूते चप्पलों के आज हम बात कर रहे हैं कि किस रंग के यहाँ पर आपको पहनने चाहिए और किस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं हमारे भाग्य के साथ, ये हम जानने की कोशिश आज पंडित जी से कर रहे हैं। तो अगला सवाल पंडित जी मेरा यही है, रंगों की बात हो रही है यहाँ पर, जूते चप्पलों की जो हम पहनते हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमारे, किस तरीके से हमारे भाग्य के साथ ये कनेक्टेड हो जाता है? देखिए, जूतों का रंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रंग आपके जीवन पर सबसे ज्यादा गहरा असर डालते हैं। फैशन में लोग तमाम रंगों के जूते पहनते हैं। पहले तो केवल काले, भूरे या ज्यादा से ज्यादा सफेद जूते आते थे, अब हर रंग के जूते आते हैं। तो फैशन में लोग विभिन्न रंगों के जूते पहनते हैं और अलग अलग रंग के जूते अलग अलग ग्रहों से संबंध भी रखते हैं। जूते चप्पल से शनि और राहु दोनों का संबंध है, ऐसा आपको पहले भी मैंने बताया। इसीलिए पैरों में काले रंग के जूते, भूरे रंग के जूते या नीले रंग के जूते ज्यादा उत्तम हैं, ज्यादा बेहतर हैं। फिर भी अगर आप किसी अन्य रंग का जूता पहनते हैं तो ये देख लीजिए कि जिस रंग का जूता आप पहन रहे हैं उस रंग वाला ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब मान लिया आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा फेवरेबल है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और आप लाल रंग का जूता पहनने लगेंगे तो कुंडली का मंगल बिगड़ेगा और मंगल संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, भूल कर भी पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल मत पहनिए। पीला रंग देव गुरु बृहस्पति का रंग है और इसको पैरों में पहनना, इसको पैरों में धारण करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल पहनेंगे तो इससे अपयश, दरिद्रता और बाधा सब पैदा होगी। सामान्यतः मैं कहूंगा काले रंग के, भूरे रंग के, नीले रंग के जूते पहनिए, सबसे ज्यादा बढ़िया है। और विशेष स्थितियों में स्पोर्ट्स के आदि के शूज हैं तो आप सफेद रंग के भी पहन सकते हैं। लेकिन जब आप रंग बिरंगे जूते पहनते हैं, हरे रंग के, गुलाबी रंग के, तो जरा ये समझिए कि किस ग्रह का रंग है वो, और ऐसा तो नहीं कि वो ग्रह आपका शुभ ग्रह है और आपने उसका रंग पैरों में पहन लिया है। अगर अपने शुभ ग्रह का रंग आप पैरों में पहनेंगे तो उस ग्रह से संबंधित बाधाएं आपको परेशान करना शुरू कर देंगी। तो रंगों का कितना महत्व होता है, आपके जूते चप्पल जो आप पहन रहे हैं और वो किस तरीके से आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हर रंग का एक ग्रह होता है और वो ग्रह अगर आप अपने पैरों पर पहन रहे हैं, जूते चप्पलों का रंग उसमें है, तो वो आपके भाग्य पर असर डालेगा। कौन से रंग के पहनने चाहिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर अब आते हैं और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, यात्रा पर जाने को तैयार हो जाइए, यात्रा के सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं इस समय हल होंगी और थोड़ा प्रयास करेंगे तो धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। भगवान को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, उन्हें पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आपका निश्चित रूप से बन जाएगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
कन्या राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होती दिखाई दे रही हैं, संपत्ति का काम आपका बन जाएगा इस समय, संतान पक्ष की उन्नति के योग भी बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है, आप लोगों का दिन किस प्रकार बीतेगा ये भी आपने समझा, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले ले लेते हैं आप लोगों का अगला ईमेल, यानी कि अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, दूसरा प्रश्न जो आज का है वो गीतांजलि जी ने हमें लिखा है, पटना से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1961, जन्म का समय है 10:30 रात को, जन्म स्थान है पटना बिहार। ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब है, कभी हड्डियों में दिक्कत होती है, कभी पेट में दिक्कत होती है, कभी आंखों में दिक्कत होती है, स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे लगातार परेशान कर रही हैं, तो स्वास्थ्य मेरा कब बेहतर होगा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। गीतांजलि जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि, महादशा आपकी राहु की है और अंतर दशा आपकी सूर्य की चल रही है 9 मार्च 2023 तक। एक तो बृहस्पति का गड़बड़ होना ये बहुत साफ तौर से कहता है कि आपके डाइजेशन में समस्या है, दूसरे सूर्य का गड़बड़ होना हड्डियों में भी समस्या दिखा रहा है और मानसिक तनाव, मानसिक चिंता के संकेत भी ये कुंडली दे रही है। तो मन वाले पार्ट को ठीक करना है और सेहत वाले पार्ट को ठीक करना है। सबसे पहले बता दूं आपको कि अगले साल के अप्रैल के बाद से बहुत हद तक संभावना बनती है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू होगा और धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से इफर्ट करने होंगे, प्रयास करने होंगे। क्या उपाय करेंगी? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें। दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, ताकि आपकी हड्डियों की समस्या दूर हो, आपका मानसिक तनाव दूर हो और मन से आप मजबूत हो सकें। तीसरे नंबर पे रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिए, आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अभी भी समय बाकी है, आप हमें लिख भेजिए अपना सवाल और भेज दीजिए उसे इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल ले लेते हैं पंडित जी से। आप जूते चप्पलों की हम बात कर रहे हैं पंडित जी, आपने रंगों के बारे में बताया किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर अलग अलग रंगों के जो जूते चप्पल हम पहनते हैं वो हमारे भाग्य से किस तरीके से संबंधित होते हैं, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान हमको रखना चाहिए, किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए जूते चप्पल के प्रयोग अगर हम कर रहे हैं यहां पर। देखिए, फिर समझ लीजिए कि जूते चप्पल बड़े महत्वपूर्ण हैं। शनि और राहु लोगों के रोजगार पर असर डालते हैं, आपके दिन भर की दौड़ भाग, आपका रोजगार, आपकी कंडीशन जूते चप्पल से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। किन बातों का ध्यान रखें इसके प्रयोग में? देखिए, जूते चप्पल जब भी पहने, कपड़े से, ब्रश से उसको झाड़ करके साफ करके तब पहनिएगा, गंदे जूते चप्पल मत पहनिएगा। अगर आप बिना झाड़े पोछे, बिना साफ किए जूते चप्पल पहनते हैं तो बेवजह की दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। जूते चप्पलों को इधर उधर बिल्कुल मत फेंकिए, जूते चप्पलों को इधर उधर फेंकना उचित नहीं है। आप घर में या बाहर जूते चप्पलों को इधर उधर फेंकेंगे तो आपके पैसे की बचत नहीं होगी, आप धन की सेविंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रोजगार की समस्या है या आप अपने करियर में बदलाव चाहते हैं तो शनिवार के दिन विशेष रूप से
जूते चप्पलों का दान करना बड़ा ही फायदेमंद होता है। जूते चप्पलों का, किसी भी रंग के जूते चप्पल हो सकते हैं, रबर के हो सकते हैं, चमड़े के हो सकते हैं, रैक्सीन के, लेदराइट के, जिसके भी जूते चप्पल हों, इसका अगर आप दान करें शनिवार के दिन, तो ये नौकरी के मामले में बड़े परिवर्तन पैदा करता है और नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं आपके लिए बना देता है। तो जूते चप्पलों के प्रयोग में आप किस प्रकार सावधानी बरत सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी आपने पंडित जी से जान लिया है। आगे बढ़िए और कुछ ही देर में आपको महा उपाय हम बताएंगे और साथ ही साथ आप लोगों के सवालों के जवाब तो हम आपको दे ही रहे हैं, तो कुछ ही देर में अगला सवाल भी हम लेंगे। फिलहाल आते हैं अगली तीन राशियों पर जो कि है तुला, वृश्चिक और धनुराशि। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा इस समय, उसके परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं होंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा क्योंकि वाहन दुर्घटना हो सकती है, और परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, विवादों से बचाव करिएगा। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है। भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन्हें अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनुराशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है, करियर में आपको सफलता मिलेगी इस समय, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं, ये भी आपको पंडित जी बता रहे हैं अलग अलग राशियों के हिसाब से कि किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ इस दौरान निभाएगा। आखिरी तीन राशियों के बारे में आपसे कुछ ही देर में आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है अगले ईमेल का, देखते हैं किसने हमें भेजा है। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें आकाश जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 सितंबर 1994, जन्म का समय है शाम को 4 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर और नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, मेरा विवाह कब होगा, कैसा होगा, क्या मैं मांगलिक हूँ। आकाश जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि, महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की फिलहाल आपकी चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आप टेक्निकल फील्ड में, मीडिया के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में कोई नौकरी करेंगे, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, मीडिया या शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करेंगे और बढ़िया नौकरी करेंगे, आपका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है। और करियर में सबसे बढ़िया जो समय आपका शुरू होगा वो 2024 से शुरू हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह वर्ष 2023 में होने की संभावना बनती है, आपकी शादी का योग अभी भी चल रहा है, लेकिन ज्यादा मजबूत संभावना वर्ष 2023 के शुरुआती समय में दिख रही है। तीसरी बात यह है कि मंगल आपका सप्तम भाव में कर्क राशि में विद्यमान है, तो कुंडली मांगलिक है,
और शुक्र नामक प्लेनेट इस कुंडली में कमजोर दिखाई देता है, तो जब भी आप विवाह का निर्णय लेंगे कुंडली मिला करके लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। क्या उपाय करें करियर के लिए, विवाह के लिए, अच्छे भविष्य के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा, तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर धारण कर लें, उससे आपको फायदा होगा। दूसरा काम आप करें, रोज सुबह और रोज शाम भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो ये मंत्र जपने से आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी हमें दे रहे हैं, जो दर्शक हमें देखते हैं और कोई समस्या उनकी होती है तो सवाल हमें भेजते हैं, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, लिख भेजिए, ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि जूते चप्पलों का हम जिक्र कर ही रहे हैं और रंगों का किस तरीके से कनेक्शन होता है, किन बातों की सावधानी आपको रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए, ये हमने जाना। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि जूते चप्पल के प्रयोग से हम दरिद्रता किस प्रकार दूर कर सकते हैं। पंडित जी बिल्कुल, आपको एक विशेष प्रयोग बताते हैं, जिस प्रयोग को करके आप अपने दरिद्रता को, अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। शनिवार को एक पुराना जूता या पुराना चप्पल ले लें अपना, इसको रात में पहन लीजिए और रात में पहन करके लगभग 9-10 बजे के बाद, थोड़ी रात ज्यादा हो जाए तो उसके बाद इसको पहन करके पैदल घर से चौराहे तक जाइए। चौराहे पर जूता या चप्पल निकाल करके छोड़ दीजिए। इसके बाद मन ही मन में प्रार्थना करिए कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। उसके बाद वहां से सीधे मुड़कर नंगे पैर अपने घर वापस आइए। पीछे से कोई बुलाता है, कोई पुकारता है या पीछे कोई आवाज आती है, पीछे मुड़कर के बिल्कुल मत देखिएगा। ये उपाय आप 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, ज्यादा मत करिएगा इसको। 6 महीने में एक बार अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी दरिद्रता दूर होगी, दुर्भाग्य से आपको छुटकारा मिलेगा। और इस प्रयोग का सबसे अच्छा फायदा शनिवार को होता है, अगर आप चाहें तो शनिवार के अलावा मंगलवार की रात को भी ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शनिवार की रात को इस प्रयोग को करने के फायदे ज्यादा होते हैं। तो जूते चप्पलों के बारे में हम बता रहे हैं पंडित जी आपको लगातार उपाय भी यहाँ पर, और दरिद्रता को किस प्रकार आप दूर कर सकते हैं दान कर यहाँ पर अपनी जूते चप्पलों को शनिवार के दिन, ये भी हमने पंडित जी से समझा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आखिरी 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं, और ये आखिरी 3 राशि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, इस समय आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होने वाली है और ये सूचना धन से संबंधित दिखाई दे रही है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी और इस समय आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, यानी दिन बहुत अच्छा है। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंताओं से आपको बचाव करना है, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, परिवार में अपने शांति बनाए रखें। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है,
मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में हमने जान लिया है, आप लोगों का भाग्यफल और भाग्य आपका कितना साथ इस दौरान देगा ये भी आपने देख लिया। आगे बढ़ते हुए आखिरी सवाल आज का हम ले लेते हैं, जो आखिरी ईमेल भेजा है हमें, किसने भेजा है और क्या वो पूछना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं। आज का अंतिम जो मेल है वो हमें प्रकाश जी ने लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं अपने पुत्र के लिए। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 25 सितंबर 1987। जन्म का समय है दोपहर के 12:45 और जन्म का स्थान है सोलापुर, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा और मेरे बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। प्रकाश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा इनकी बृहस्पति की है और अंतर दशा इनकी राहु की चल रही है फिलहाल, मई 2023 तक। देखिए, जहां तक आपके पुत्र के विवाह होने का प्रश्न है, आपके पुत्र का विवाह का समय चल रहा है और जनवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच में आपके पुत्र का विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए। और ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ हो सकता है, तो विवाह का समय इनका निश्चित रूप से इस समय चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे का भविष्य अच्छा है, करियर अच्छा है, जन्म स्थान से दूर जा करके ये करियर में ज्यादा सफलता पाएंगे, ज्यादा तरक्की करेंगे, ऐसी संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। अब इनका विवाह शीघ्र हो सके और इनका भविष्य उज्ज्वल रहे उसके लिए क्या करेंगे, अपने पुत्र को एक मूंगा बनवा के पहनाइए, देसी मूंगा, लगभग 10 से 12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार को सवेरे इनको एक मूंगा पहना दीजिए। और दूसरा, अपने पुत्र से बोलिए कि रोज सुबह 108 बार भगवान कृष्ण का एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें तो उनका उत्तम विवाह भी होगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा और आने वाला समय भी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों के सवालों का सिलसिला आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अभी और भी सवाल हमारे हैं जो हम पंडित जी से जानेंगे ताकि ये आपके लिए वो काम आ सके। तो जूते चप्पलों की आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके भाग्य को वो बताते हैं, आपके भाग्य को संवारते या फिर बिगाड़ते हैं। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर करें जूते चप्पलों का, जैसे कि पंडित जी ने यहाँ पर हमें बताया है, तो वो आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात पंडित जी ने हमें बताई थी कि दान आप कर सकते हैं अपने पुराने जूते चप्पलों को। तो पंडित जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कब हमको ये जो पुराने हमारे जूते चप्पल हैं उनको दान करना चाहिए, क्या कोई खास दिन इसके लिए भारत है जिस दिन हम इनको दान कर सकते हैं। देखिए, घर में पुराने जूते चप्पलों को इकट्ठा करके मत रखिए। अगर आप पहनते हैं सब जूतों को, आप 20 जूते रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहनते हैं केवल 2 जोड़ी जूते और 8 जोड़ी जूते पुराने सालों से पड़े हुए हैं, जिनको आप ना तो पहनते हैं और ना ही जिनका प्रयोग करते हैं, तो ऐसे जूते चप्पलों को घर से निकालकर बांट देना चाहिए। किसी और के पैर में जाएगा, उसको फायदा होगा और आपके घर से जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी। अब अगर घर से पुराने जूते चप्पलों को हटाना है, किसी को देना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा दिन या तो शनिवार होता है या तो महीने में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या को आप पुराने जूते चप्पलों को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप पुराने जूते चप्पलों का दान करें, पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें, ठीक कर लें, उसके बाद दान करें ताकि अगला व्यक्ति भी उसका इस्तेमाल कर सके। और ये काम अगर आप सप्ताह में एक दिन शनिवार को करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अमावस्या के दिन भी घर के जो
पुरानी चीजें हैं उन्हें हटा करके उन्हें दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। और अगला जो सवाल है वो जन्मदिन को लेकर है, 8 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, तो जानते हैं कि 8 सितंबर वाले जो लोग हैं जिनका जन्मदिन है उनके लिए साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। करियर में आपके बदलाव होगा और बढ़िया सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है, इस मामले में संकेत ठीक हैं आपके लिए। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखेंगे, स्वास्थ्य में आपका उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे, पूरे साल भर अगर शनि देव की उपासना करें, शनि मंत्र का जप करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं, शनि देव से प्रार्थना करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते हुए अब आज की जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं। जिज्ञासा पंडित जी, यह है कि क्या जो मंत्र यहाँ पर हम जप करते हैं उसका उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द होते हैं मंत्र में संस्कृत के जो कि कई लोग ठीक से उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। देखिए, मंत्र के उच्चारण की अगर हम बात करें तो मंत्र का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा, और उन शब्दों से ही मंत्र विशेष तरीके की तरंग पैदा कर पाते हैं। और उच्चारण का एक तरीका भी होता है जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो सही शब्द होंगे और सही तरीका होगा तो मंत्र ज्यादा शक्तिशाली तरीके से काम करेंगे। अगर आपको श्लोक पढ़ने में, मंत्र पढ़ने में दिक्कत है तो आप हिंदी में साफ तरीके से अपनी बात ईश्वर से कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको मंत्र पढ़ने में दिक्कत है फिर भी आप गलत सही मंत्र पढ़ रहे हैं तो ऐसे मंत्रों का जप करने से आपको लाभ नहीं होगा, और मंत्र का गलत जप करने से बहुत बार नुकसान होने की संभावना भी होती है, उसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए, जिज्ञासा तो यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है। अब आते हैं शुभ पहर पर, देखते हैं 8 सितंबर का शुभ पहर क्या है, ताकि अगर कोई शुभ कार्य आप इस दौरान करना चाहे तो कर सके। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 सितंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए, इससे आपके रिश्तों में और मानसिक समस्या की स्थिति में अच्छा सुधार होगा। लेकिन देखिए, लाभ आपको तब होगा जब आप शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट करें, 8 सितंबर बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो शुभ पहर भी आपने जान लिया, पंडित जी ने आपको बता दिया है कब आपको अगर कोई अच्छा कार्य करना है, किसी नई चीज की शुरुआत करनी है, आप कर सकते हैं। आगे आते हैं आपकी राशि पर, देख लेते हैं आज की कुटक राशि कौन सी है। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के संतान पक्ष के बारे में फिलहाल बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके संतान पक्ष पर बात करेंगे वो राशि है कर्क राशि, कैंसर। कर्क वालों को संतान प्राप्त करने में थोड़ी समस्या जरूर होती है और आम तौर पर विलंब से संतान इनको होती है, साथ ही साथ संतान के साथ तालमेल में भी समस्या जरूर होती है, या किसी एक संतान को लेकर के जीवन में चिंताएं रहती हैं। संतान पक्ष को अगर बेहतर करना है या संतान पक्ष से सफलता चाहिए तो आप नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिए, आपको लाभ होगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ चुके हैं और यहां पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से आप भी उसे आजमा कर लाभ पा सकते हैं। पंडित जी जी
देखिए मानव है, जीवन में गलतियां हो जाती हैं, हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, सादा पानी प्लेन वाटर। सुबह एक बार जल चढ़ाने के बाद अपने पूजा स्थान पर बैठ के शिव अपराध क्षमा स्तोत्र, शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करिए और शनिवार को निर्धनों में खाने की वस्तु का दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और गलत काम करने से बचें, ये नहीं कि ये उपाय भी कर रहे हैं तो गलत काम भी करते जाएं, अगर आप ये प्रयोग करें और गलत काम से तौबा करें, बचें, तो निश्चित रूप से आपके पापों का प्रायश्चित होना शुरू हो जाएगा। तो महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि किस तरीके से हमारे भाग्य पर असर डालते हैं हमारे पहने हुए जूते या चप्पल। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।